नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता। आज आपके पाठ्यपुस्तक से एक कविता लेकर आई हूँ, ऐसा क्यों होता है। पूरी कविता में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न वही है रोज की, जैसे आप छोटे बच्चे आप पूछते हैं, दिन कैसे होती है, रात कैसे होती है। मैंने ये पाठ इसलिए, ये कविता इसलिए लिया कि अभी जल्दी ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ और आपने टीवी पे, न्यूज़पेपर में चारों तरफ सूर्य का कटना और पूरा देखा हुआ है, तो मुझे लगा कि ये पाठ आपको जल्दी, ये कविता आपको जल्दी समझ में आएगी, इसलिए ये कविता मैंने चुना। एक बच्चा है जो अपनी माँ से पूछता है कि सुबह सूरज आता है तो चंदा कहाँ चला जाता है। सही सवाल है, जब छोटे बच्चे छोटे रहते हैं तो सुबह तो सही बात है कि सुबह सूरज दिख रहा है, लेकिन जब चांद निकल आ जाता है तो सूरज चला जाता है। तो छोटा बच्चा है, उसके अंदर क्वेरीज है, उसके अंदर ये इच्छा है कि भाई जब सूरज या चांद दोनों एक साथ क्यों नहीं दिखते हैं। कभी कभी दिखते हैं आसमान में, लेकिन वो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आने वाली बात है। तो कविता का रूप दिया हुआ है उसी लाइन को, माँ और बच्चे के प्रश्न को और उत्तर को कविता की तरह लिखा हुआ है। आसान है और बहुत सुंदर है, जैसा कि लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, बच्चे बहुत पसंद करते थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छी लगेगी। आपने भी चंद्र ग्रहण देखा, सॉरी सूर्य ग्रहण देखा, जिसमें आप अगर टीवी पे देख रहे हो, पेरेंट्स ने देखा होगा शाम को न्यूज वगैरह में जैसा भी, तो कई स्टेट में, कई राज्यों में अलग अलग तरह से दिखा रहा था। तो कहीं आपने देखा कि सूरज का कहीं छोटा भाग है, थोड़ा कटा है, फिर ऐसे करते करते एक रिंग जैसा भी आपने देखा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये रोज का तो नहीं होता ऐसा, लेकिन चांद में ऐसे जैसा आपने सूर्य में रिंग जैसा देखा, वैसे चांद में होता जरूर है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जैसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही बोलते हैं, वैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी महीनों के नाम है। महीनों के नाम में जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने आप जानते हैं, उसी तरह से चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जैसे हिंदू कैलेंडर का नाम आता है। फिर आपके इंग्लिश कैलेंडर में आता है डेट 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, जैसे आप 1, 2, 30, वैसे ही हिंदी कैलेंडर में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद आता है, एक बार आता है पूर्णिमा और एक बार आता है अमावस्या। आपको इतनी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 15 दिन का एक होता है, 15 दिन के बाद एक बार अमावस्या आता है। अमावस्या आने का मतलब होता है कि चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो मैंने इसलिए इस बात को बताया क्योंकि इसमें बच्चा ये पूछता है कि चांद कहाँ चला जाता है, तो चांद उस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता। फिर से वही कैलेंडर स्टार्ट होता है, प्रथमा, द्वितीय या प्रथमा की जगह कुछ लोग एकम भी बोलते हैं, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा मीन्स होता है फुल मून, उस दिन पूरा चांद निकलता है और पूरा चांद दिखाई देता है। और अमावस्या का न्यू मून जो आप बोलते हैं कि बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता है। अच्छी सी छोटी सी कविता है, इसको पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद आगे की बातें आपसे करते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक बच्चा है जो अपनी माँ से पूछता है, प्यारी माँ अब मुझे बताओ, सुबह सुबह सूरज उगता, उगता, उगना मीन्स होता है सनराइज, चंदा क्यों छिप जाता है। जब सूरज आता है तो चंदा कहाँ क्यों छिप जाता है, रोज रात को चांद चमकता, सूरज क्यों खो जाता है। छोटा बच्चा है जो पूछता, सूरज जब सुबह आता है तो चंदा कहाँ चला जाता है, और जब चंदा, चांद रात को चमकता है तो सूरज खो जाता है। खो जाना मीन्स गायब हो जाना। क्या दोनों आपस में लड़ते, तभी नहीं वे बोला करते। क्या दोनों में झगड़ा है, जो कि वो एक आता है तो दूसरा चला जाता है, और दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा भोला। माँ समझाती है, बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, इनोसेंट हो, यह धरती जो है बड़ा सा भोला है, बॉल जैसे, बड़े से, जैसे आपने अपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, बड़ा सा भोला, एक जगह जब चांद चमकता, सूरज दूसरी जगह निकलता। माँ समझाती है, जैसे कि आपने अपने ज्योग्राफी या साइंस में भी पढ़ा होगा कि जब सूरज एक जगह निकलता है तो चांद दूसरी जगह, जैसे जैसे सूरज का रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है और दूसरे साइड में चांद जाता है। जैसे कि आप अभी, तो आप लोग, काफी लोगों के रिश्तेदार, पेरेंट्स अभी अमेरिका और कहाँ रहते होंगे, तो
तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जब रात होती है तो उनके यहाँ सुबह होती है, जब उनके यहाँ रात होती है तो हमारे यहाँ सुबह होती है। यह धरती है बड़ा सा गोला, एक जगह जब चांद चमकता सूरज दूसरी जगह निकलता। जो मैंने अभी बताया कि अभी हमारे यहाँ जब दिन हो रही है तो अमेरिका में रात हो रहा है, ऐसे ही होते दिन रात, नहीं लड़ाई की कुछ बात। माँ बताती है नहीं, धरती एक बड़ा सा गोले जैसा है, बॉल जैसा है, और जब एक जगह चांद निकलता है तो सूरज दूसरी जगह निकलता है, ऐसे ही होते हैं दिन रात। जब दूसरी जगह सूरज निकलता है तो अपने यहाँ रात हो जाती है, और जब वहाँ रात होती है तो अपने यहाँ दिन होता है। नहीं लड़ाई की कुछ बात, लड़ाई की ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिन जैसे चलते हैं, तो वैसे हिंदू त्योहार भी उन्हीं तिथियों के हिसाब से मनाया जाता है। और जो ये चांद वाला है बताया, एक धरती है बड़ा सा गोला, एक जगह जब चांद चमकता, इसी तरह से जब चांद और सूरज के ही चक्र से मौसम भी आता है, सीजन भी जो बदलते हैं इसी तरह बदलते हैं चांद और सूरज के हिसाब से ही। ऐसा नहीं कि अचानक से कभी सर्दी आ गई और कभी गर्मी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। जब सूरज और चांद के, जैसे आप ज्योग्राफी में डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो जो हमारा मौसम होता है, जो हमारा सीजन होता है, सर्दी गर्मी बरसात, ये भी सब सूरज और चांद के चक्र से ही चलता है। और दिन रात आपको बताया ही, और उस दिन अभी बता रही थी जो सूर्य ग्रहण वाली बात बता रही थी, वो भी एक सूर्य और चंद्र के चलने का तरीका है, और एक है जो कई सालों पर आता है, ऐसा नहीं कि रोज होता है। लेकिन सूरज चांद वाले जो मैंने यहाँ देखो छोटे छोटे से चांद बनाए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कि जब पृथ्वी के सामने चांद सूरज जैसे आते हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे होते हुए फिर बाद में पूरा फुल मून हो जाता है, और एक बार आपको बताया कि पूरा डार्क हो जाता है, जिसे हिंदी में अमावस्या कहते हैं, और उस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब मौसम के साथ क्या करना है, मौसम कैसे है? अभी आपने देखा कि जब हमारा मेघ का महीना जाता है तो कितनी गर्मी होती है, तो उसके लिए भी यही है कि सूरज जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो जो हमारे समुद्र है, नदियां हैं, इसके पानी भाप बनते हैं, और भाप बन करके वो ऊपर उठ चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर के वो क्लाउड की तरह चारों तरफ जमा होते हैं। फिर ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो थोड़े थोड़े ठंडे होने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद उसमें वजन हो जाता है, वो भारी हो जाते हैं, फिर वो पानी बरसने लगता है, फिर वो पानी बरस कर हमारे साथ वही नदियों समुद्रों में गिर के आ जाता है, फिर से सूरज की गर्मी से भाप बनता है और ऊपर जाता है। ऐसे ही सारे सीजन जो हमारे सर्दी गर्मी बरसात है ऐसे ही चलते हैं, मीन्स सूरज और चांद के हिसाब से ही हमारे महीने साल और सीजन भी चलते हैं। अभी आप छोटे हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि सूरज और चांद के चक्र के से ही हमारे महीने दिन और साल दोनों चलते हैं, और सीजन भी उसी के हिसाब से चलता है। तो एक बार मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन में पढ़ती हूँ, फिर आपको रिपीट करने की कोशिश करें तो आप सीख भी जाएंगे और एक काम हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले मैं बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, फिर आप रिपीट कर लें, फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ऐसा क्यों होता है प्यारी माँ अब मुझे बताओ, सुबह सुबह सूरज उगता चंदा सुबह सुबह सूरज उगता चंदा क्यों छिप जाता है, रोज रात को चांद चमकता सूरज क्यों खो जाता है, क्या दोनों आपस में लड़ते तभी नहीं वे बोला करते, मेरे बेटे तू है गोला या धरती है बड़ा सा गोला, एक जगह जब चांद चमकता दूजी सूरज दूजी जग तरह निकलता, ऐसे ही होते दिन रात, नहीं लड़ाई की कुछ बात। प्यारी माँ अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता समझाओ, सुबह सुबह सूरज उगता चंदा क्यों छिप जाता है,
रोज रात को चांद चमकता, सूरज डूब हो जाता है, क्या दोनों आपस में लड़ते तभी नहीं हुए बोला करते। मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा गोला, एक जगह जब चांद चमकता सूरज दूजी तरह निकलता, ऐसे ही होते दिन रात, नहीं लड़ाई की कुछ बात। आप घर में रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको ईद ऐसे करवाया था, एक वीडियो ईद ऐसे पे डाला था, उसमें भी मैंने एक लाइन लिखी थी, रमजान के महीना खत्म होने के बाद चांद देखकर दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। आपके ही चांद जैसे घटते बढ़ते रहते हैं, वैसे घटते बढ़ते रूप को अलग अलग तिथियों के हिसाब से, तिथि मीन्स होता है डेट, चलते हैं और फिर उसी हिसाब से त्यौहार भी मनाते हैं। हिंदू त्यौहार ज्यादातर उसी तरह मनाए जाते हैं, सूरज और चांद के तिथि के हिसाब से चलता है, और शायद इस्लाम में भी मुस्लिम लोग भी चांद देख करके ही त्यौहार मनाते हैं। जैसे इसलिए ये डेट कभी फिक्स नहीं होते। आपने कभी देखा होगा या पेरेंट्स से पूछिएगा, होली, दिवाली, चतुर्थी, ईद कभी एक डेट पे नहीं आती। जैसे भी क्रिसमस मनाना है तो क्रिसमस हमारा आता है कि 25 जनवरी को है तो है, दिसंबर को है तो है, लेकिन हिंदू त्यौहार जो होली दिवाली आते हैं, होली दिवाली ऐसे इस्लाम में ईद, उनके एक डेट फिक्स नहीं होते हैं। वो डेट ये चांद देख करके उसी हिसाब से डेट बनी हुई है, उसी हिसाब से मनाया जाता है। तो अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको पूरा आप बताती कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ से उतना करना मुश्किल है आपके लिए, तो सिर्फ आप कविता याद करें। जब हम मिलेंगे तो फिर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, जैसे आगे कोई फेस्टिवल आया, त्यौहार आए, तो उस हिसाब से मैं आपको चांद के हिसाब से बताऊंगी। फिर से एक बार, ऐसा क्यों होता है प्यारी माँ अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता समझाओ, सुबह सुबह सूरज उगता चंदा क्यों छुप जाता है, रोज रात को चांद चमकता सूरज क्यों खो जाता है। छोटा बच्चे को यही लगता है कि चांद शायद खो गया, नहीं है। क्या दोनों आपस में लड़ते तभी नहीं वे बोला करते, मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा गोला। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में आपको टीचर क्लास में दिखाती है, एक जगह जब चांद चमकता सूरज दूजी तरह निकलता, ऐसे ही होते दिन रात, नहीं लड़ाई की कुछ बात। छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में ही, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी बात कर लिया जाए कि आपको कोई परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन इसमें है, बच्चा किससे पूछ रहा है। पेज नंबर 71 पे पहला क्वेश्चन है, बच्चा किससे पूछ रहा है, तो उसका आंसर है बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है। बच्चा क्या समझना चाहता है, बच्चा ये समझना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि चांद और सूरज आपस में लड़ते हैं, बच्चा ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आते हैं, एक आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। माँ किसे भोला कह रही है, माँ जो प्रश्न पूछ रहा है उस बच्चे को भोला कह रही है या माँ अपने बच्चे को भोला कह रही है। चांद और सूरज कब कब निकलते हैं, ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रही है। धरती कैसा, ये धरती हमारी गोल है। उसके बाद पेज नंबर 73 पर है, सूरज कब उगता है सवेरे, इसका आंसर दिया हुआ है। आसमान में चांद कब चमकता है, ये आंसर मुझे लगता है आप खुद दें तो अच्छा रहेगा। सूरज चांद एक साथ दिखाई नहीं देते क्योंकि वे आपस में लड़ते हैं, नहीं। यह धरती कैसी है, यह धरती गोल, एक बड़े गोले के समान है। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चा अपनी माँ से क्या पूछ रहा, बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा कि यह सूरज चांद में झगड़ा है क्या कि दोनों एक साथ नहीं आते। बच्चा ऐसा क्यों सोचता है कि सूरज चांद आपस में लड़ते हैं, बच्चा ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे लगता है कि सूरज और चांद दोनों एक साथ क्यों नहीं आते हैं। क्या आपस में लड़ना अच्छी बात है, नहीं, आपस में लड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पेज नंबर 74, आकाश में सूरज और चांद तारों को देखकर अपने आपके मन में कौन कौन से सवाल उठते हैं, कोई तीन सवाल लिखिए, ये आपके लिए ही है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों के मन में सवाल जरूर आता है कि यहाँ तो चांद दिख रहा है या चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। आप कई बार जब रोड पे या घर में छत पे हो तो आप जैसे जैसे मूव करें आपको लगता है कि चांद साथ साथ चल रहा है। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो तो आप देखें विंडो से तो लगता है जैसे हमारी ट्रेन चल रही है वैसे वैसे चांद भी चल रहा है।
ये सवाल सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में आता है, ऐसा मेरा मानना है। आपके पास जो हो आप उसको भी कह सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द को समझें और लिखें। ये थोड़ी सी बात ओरल बता दूं आपको। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम मीनिंग, जैसा मीनिंग लिखते हैं, मैंने आपको दो लेसन के मीनिंग लिखवाए हैं वैसे ही होता है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड एक साथ लिखते हैं तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे लिखा है माँ, माँ के लिए माता, मैं आपको अगर मीनिंग लिख के दूंगी तो मैं लिख के दूंगी माता। इसके बाद लिखा अम्बा, आपने दुर्गा जी का नाम सुना होगा अम्बा, तो दोनों की मीनिंग मदर माँ ही है। फिर है चांद, चांद के लिए ब्लैंक है, मैं आपको बता दूं शशि और शेखर दोनों नाम चांद के ही हैं। सुबह, सुबह को सवेरे लिख सकते हैं, प्रातः लिख सकते हैं। फिर है सूरज, सूरज को रवि कहते हैं, सूरज को दिनकर कहते हैं। बहुत नाम है, लेकिन यहाँ चूंकि दो दो प्लेस दिए हुए हैं इसलिए मैं आपको दो ही बता रही हूँ। उसके बाद रात, रात्रि, रात का रात्रि कह सकते हैं। निशा, आप गोल नाम सुना होगा आपने, निशा मीन्स होता है रात। धरती, धरती मीन्स भूमि, जमीन और भू भी कहते हैं। तो दो दो मैं बता रही हूँ क्योंकि दो दो के लिए आपके लिए प्लेस दिया हुआ है। विलोम शब्द लिखिए, विलोम मीन्स होता है अपोजिट। उगता के इस पर आपका आंसर दिया हुआ है छिपता। रात का दिन, एक का होता है अनेक, एक मीन्स वन, अनेक मीन्स मोर देन वन। रोज मीन्स एवरी डे और रोज के लिए होगा कभी कभी। समान तुक वाले शब्द लिखे, मीन्स जो राइमिंग वर्ड्स होता है उसे तुक कहते हैं हिंदी में। आपके कविता से ही पूछा हुआ है, बताओ का समझाओ, उगता डूबता भोला, बोला चमकता निकलता, लड़ते झगड़ते रात सात। इसके बाद पेज नंबर 75 पे एक है प्रश्न नंबर एक, तो सिर्फ मैं आपको आंसर बता रही हूँ, इसकी डिटेल्स अभी आपको नहीं बता सकते, ये आपको बाद में बताया जाएगा। रात, चांदनी रात लिखा है। हवा, हवा मतलब ठंडी हवा। दिन, गरम फूल, लाल आकाश, नीला सूरज, तपता। जो चित्र का, जो चित्र का नाम नहीं है ना उसके आगे, जैसे आपका पर्यायवाची वाला जैसा था पहले बताया एक वर्ड के कई मीनिंग, तो यहाँ रवि और सूर्य लिखा हुआ है, राशि अलग है, वैसे ही यहाँ चांद बना हुआ दूसरे साइड में देखिएगा, छोटा सा चांद बना हुआ है। तो चंदा, रात्रि और चांद अलग कौन सा है, तो रात्रि अलग है। फिर है पुत्री, माता, जननी, तो माँ का एक लेडी का चित्र बना हुआ है, तो पुत्री बेटी नहीं हो सकता, तो पुत्री अलग है। जननी मीन्स मदर एंड माता मीन्स ऑल्सो मदर। फिर है लड़का, सुता, बालक, तो सुता मीन्स होता है गर्ल, लड़की। लड़का और बालक मीन्स ये आपके सही हैं। उसके बाद है कविता की पंक्तियों को हम दूसरी ढंग से भी लिख सकते हैं, मीन्स जैसे आपको मीनिंग बताया जाता है वैसा। मेरे बेटे तू है भोला, मेरे बेटे तू भोला है। अगर आपसे जैसे नॉर्थ में पढ़ाया जाता है तो वहाँ उनको मीनिंग भी लिखनी होती है, तो ऐसे ही बच्चे लिखते हैं। यह धरती है बड़ा सा गोला, ये धरती जो है वो गोल है या बड़े इससे गोले की तरह है। ऐसे ही होते दिन रात इसी तरह से होते हैं। नहीं है लड़ाई की कुछ बात, लड़ाई की इसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद एक सेंटेंस के लिए है, इतना सेंटेंस आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जरूर, ज्यादा नहीं, तीन दिन का के लिए ट्राई करें तो आसानी से हो सकता है। इसके बाद है पेज नंबर 77 पे रचनात्मक गतिविधियां, मीन्स क्रिएटिव वर्क। आपके सीजन जो मैंने बताया कि चांद और सूरज के, उससे ही सीजन भी हमारे आते हैं, सीजन्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। पहले वाले में लोग शायद गर्मी का सीजन दिखा रहा है, लोग समुद्र में नहा रहे हैं, जैसे अपने बीच का सीन होता है वैसा दिया हुआ है, और आपको एक एक दो दो लाइन लिखने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरे वाले में जो अभी हमारा रेन सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन चल रहे हैं, उसके बारे में आपको पिक्चर देख करके ही लिखना, अपने आप ऐसा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद थर्ड पिक्चर में है कि कपड़ों से पता चल रहा है कि बच्चे ने टोपी पहनी है, जैकेट पहने हैं, शूज पहने हैं, मीन्स ये सर्दी का सीजन है। इसके बाद
जो लास्ट वाला है वो आपका ग्रह जो प्लैनेट्स आप कहते हैं, जिसकी वजह से रात और दिन होते हैं वो प्लैनेट्स हैं। तो बच्चों एक बार देखिएगा जरूर और देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिन रात कैसे होते हैं। वैसे भी आपके सोशल स्टडी में और टीचर्स बताएंगे, आप समझ जाएंगे मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार लास्ट टाइम पोयम पढ़ करके फिर खत्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारी माँ अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता समझाओ। सुबह सुबह सूरज उगता चंदा क्यों छिप जाता है, रोज रात को चांद चमकता सूरज क्यों खो जाता है। क्या दोनों आपस में लड़ते तभी नहीं वे बोला करते, मेरे बेटे तू है भोला यह धरती है बड़ा सा गोला। एक जगह जब चांद चमकता सूरज दूजी तरह निकलता, ऐसे ही होते दिन रात नहीं लड़ाई की कुछ बात। पहली कविता मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था पोयम से थर्ड सेकंड में आपको हम लोग हमेशा पोयम शब्द यूज करते हैं। अभी कविता बोलना शुरू किया और कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, जो कविता लिखता है जैसे आप पोएट कहते हैं उसे हिंदी में कवि कहते हैं। लेकिन कवि के साथ दो चीजें हैं, अगर फीमेल लिखती है तो उसे कवित्री कहा जाता है, अगर कोई मेल लिखता है तो उसे कवि कहा जाता है। तो आपके इस कविता के रचयिता हैं, लिखने वाली हैं रीता अग्रवाल, मीन्स वो कवित्री हो। तो आपके लिए एक नया वर्ड कवित्री, कवि और कवित्री। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। घर में अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, अभी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा, तो प्लीज सबका ध्यान रखिए, हाथ बार बार धोएं। और एक नए शब्द कवित्री आपको आज बताया, एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।